हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर बाइक हिमालयन। इसका आज हम जो है एक डिटेल राइड रिव्यू करेंगे और साथ ही जानेंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस, इस बाइक के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो चलिए दोस्तों, आज के रिव्यू है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको मिलता है 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एसओएससी इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है लगभग 24 बीएचपी का। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एयर कूलिंग मिलेगा, ऑयल कूलिंग वाला टेक्नोलॉजी आपको देखने को इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इस बाइक का जो कैरेक्टर है उस तरीके का है, तो यहाँ पर गियर और क्लच जो है थोड़ा सा हार्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सीट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको बिल्कुल भी इसमें थकान नहीं होने वाला है। साथ ही इसका पिलियन सीट है, ये भी कंफर्टेबल है, दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लगेज कैरी करना है हिमालयन पे, जो कि इसके लिए ये बाइक बनी है, तो यहाँ पर आपको पहले से ही कैरियर देखने को मिल जाता है, तो लगेज कैरी करने में काफ़ी आसान होता है। आप अलग से भी इसमें लगवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बड़ा टॉप बैग वगैरह इसमें लगाना है तो वहाँ पे आप अलग से कैरियर लगवा सकते हैं। उसके बाद टायर साइज़ की बात करते हैं, तो रियर में जो आपको 17 इंच का टायर मिलता है 120x90 सेक्शन का, और यहाँ पे स्पोक व्हील मिलते हैं। ऑफ रोडर बाइक में आपको स्पोक व्हील ही जनरली देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कारगर साबित होता है ऑफ रोड कैपेबिलिटी में। और यहाँ पर आपको इंडियन नॉर्म के हिसाब से साइड गार्ड देखने को मिल जाता है, जो हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं फ्रंट के साइड में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 21 इंच का टायर, और यहाँ पे 90x90 21 इंच का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर जो है आपको 300mm का सामने में डिस्क ब्रेक मिलता है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है, तो फ्रंट में आपको रियर में जो है आपको ABS स्विच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको 41mm का टेलीस्कोपिक फोग मिलता है, और यहाँ पे आपको 200mm का ट्रेवल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बड़े बड़े गड्ढे में भी आराम से निकल जाता है, वहाँ पे इसका बहुत ही यूज़ आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको डैश प्लेट मिल जाता है इंजन के लिए, जो भी प्योर मेटल का है, जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है इंजन में। बड़े बड़े अगर पत्थर वगैरह इसमें टच होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक टैंक गार्ड मिल जाता है, जो कि मेटल का है और काफ़ी बढ़िया है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके साइड से टच होता है टैंक पे, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये नकल गार्ड आप लगा हुआ देख रहे हैं, जो कि एसेसरीज का पार्ट है, इसमें इनबिल्ट नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं इसके हेडलाइट की, आइए। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, नीचे में छोटा सा जो है DRL आपको देखने को मिलता है, आई थिंक ये LED का है। उसके बाद ब्लिंकर जो है इसमें नॉर्मल आते हैं बल्ब के ही, जो कि डिसेंट है। उसके बाद इसके टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपको 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको रेंज भी प्रोवाइड करके दे देता है। और माइलेज तकरीबन इसमें आपको 35 का माइलेज आराम से मिल जाता है, 35-37 का। बाकी ये राइडिंग स्टाइल के आपके ऊपर है कि आप कैसे बाइक को चलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके हैंडल बार में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर जो है आपको पास मिलता है येलो कलर में, ये आपका हाई बीम लो बीम है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, नीचे हॉर्न है। मैं एक बार आपको बजा के सुना देता हूँ, इस तरीके का इसका हॉर्न है। राइट साइड में जो है आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, ये हैजर्ड का स्विच है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। रेनी कंडीशन जो रहता है, विंटर वगैरह फॉग जहाँ पे आता है, इसका काफ़ी हेल्प होता है। और जब हाईवे पे आप रुकते हैं तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी बढ़िया होता है। गाड़ी खड़ी करके रखते हैं आप, यहाँ पे आपको स्टार्टर देखने को मिल जाता है। एक बार इसका टैंक जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके का है, तो ये यहाँ पे होल्ड करके रखता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अलग नहीं होता है। अभी ये रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक आती है उसमें भी इस तरीके का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। अब कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो है आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर जो है ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको डिजिटल में चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसमें क्या क्या मिलती है, ऊपर आपका क्लॉक है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, सर्विस रिमाइंडर है, यहाँ पे ओडो मिल जाता है, यहाँ पे दो ट्रिप मिलता है, ट्रिप ए और ट्रिप बी। साथ में आपको जो है यहाँ पे साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर देखने को मिलता है, और इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। ट्रिप ए में आपको क्या एवरेज मिला वो यहाँ पे आपको दिखा देता है, उसके बाद जो है आपका ट्रिप बी है, ट्रिप बी में आपको क्या एवरेज मिला वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स आप देखेंगे। ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का लाइट मिलता है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन है, यहाँ पर जो आपको बैटरी वोल्टेज मिल जाएगा, ये आपका पास का लाइट है, ऑन करके मैं दिखाता हूँ। नीचे आपका ABS का लाइट है। हाँ, अगर आपको ABS स्विच करना है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे बटन दिया गया है, इससे आपका रियर ABS ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ रोड आप जब करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में। उसके बाद ये आपका फ्यूल गेज है, जो कि फ्यूल आधा है भरा हुआ है। यहाँ पर आपको कंपास देखने को मिल जाता है, बट इसका वो कोई यूज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है, और ये आपको अलग से सिल्वर में कवर होके मिलता है। ऊपर जो आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका टैकोमीटर, जब आप एक्सेलरेट करते हैं यहाँ पे कितना RPM पे ये जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था इसका कंसोल बेसिक सा, देखने में काफ़ी अजीब लगता है इतने सारे बटन क्या चीज़ के दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, 220 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, कोई भी ब्रेकर पत्थर वगैरह इसमें जल्दी टच नहीं होता है। इसके बाद इसके इंजन में जो आपको बोर मिलता है 78 mm का, स्ट्रोक जो यहाँ पे 86 mm का मिल जाता है। इसका कंप्रेशन रेशियो जो है 9.5:1 का देखने को मिलता है, जो कि आपको अभी मेटियोर क्लासिक में भी सेम ही देखने को मिलेगा। इसके फुट रेस वगैरह में आप देखेंगे आपको टीथ दिया गया, और ये जो रबड़ है आप इसको निकाल के अलग कर सकते हैं ताकि आपको ग्रिप अच्छा मिले। उसके बाद बात करते हैं सीट हाइट की, तो इसकी जो गाड़ी की सीट हाइट है वो 800 mm है, तो यहाँ पे आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी हाइट जो है 5.5 है। रियर सस्पेंशन जो है इस बाइक में आपको मिल जाते हैं मोनोशॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और इसका सस्पेंशन थोड़ा सा अच्छा है, कुशनिंग इसकी अच्छी आपको मिलती है। और रियर में जो है इसमें आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, अगेन यहाँ पे भी ABS है जैसे मैंने पहले ही बताया, और यहाँ पे स्विंग आर्म जो है बॉक्स टाइप आपको देखने को मिलेगा। सेंटर स्टैंड भी इस गाड़ी में मिल जाता है, तो वॉश वॉश करने के टाइम आपको काफ़ी हेल्प होती है, और इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो जैसे आप अगर पानी वानी में गाड़ी को डालते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा पानी हो तो भी जो है इसके एग्जॉस्ट नोट के अंदर नहीं जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। मैं आपको एग्जॉस्ट नोट जो है ऑन करके सुना देता हूँ एक बार। तो ये था इस गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट का आवाज़, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बेसी है। तो गाइस हमारे साथ है इस बाइक के ओनर तहसीन अली, जिन्होंने इस बाइक को ओन किया है पिछले एक साल से, और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बाइक चलाने में कैसी है, ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस जो है हर कंडीशन में रहा है, रोड पे, ऑफ रोड पे, तो इनसे जानते हैं बाइक चलती कैसे है, परफॉर्मेंस इस बाइक का कैसा है। तो थैंक यू जाहिद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ अपने पर्पज़ की इस बाइक को लेने की। मेरा मकसद ये था कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और मुझे ऑफ रोडिंग और न्यू जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ये पूरे पर्पज़ को फुलफ़िल करती है मेरी ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जिसके लिए गियर शिफ्ट इसमें थोड़े हार्ड हैं, बट हाँ ऑफ रोड में मैं अगर इस पर कहूँ बात, तो ऑफ रोड KTM से ज़्यादा बेटर ये गाड़ी मानी जाती है ऑफ रोड में आज भी, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं स्पोक व्हील्स, जो इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में नहीं मिलती एक्सपल्स को छोड़कर, जो कि माने जाते हैं ऑफ रोड के लिए बेस्ट। अलॉय व्हील्स ऑफ रोड के लिए नहीं, बट टूरिंग के लिए ज़्यादा बेटर हैं रादर देन ऑफ रोडिंग के लिए, जिसके वजह से इसमें ऑफ रोडेबिलिटी और भी अच्छी हैं। सामने 21 इंच का फ्रंट और पीछे 17 इंच के टायर जो मदद करते हैं मुझे किसी भी टेरेन, किसी भी ट्रेल में चलाने के लिए। मैंने इस गाड़ी में अराउंड 5000 किलोमीटर ट्रैवल किया है फ़िलहाल। बात करें फ्यूल इकोनॉमी की, इसमें फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिली है हाईवे पे 36 से 37 और सिटी में 30 से 31 किलोमीटर प्रति लीटर। गाड़ी की हाइट अगर जैसे आप देखें तो ये गाड़ी की हाइट इतनी दी गई है कि इसमें आप सैडलिंग आराम से कर सकते हैं, सीट हाइट भी इतनी है कि एक शॉर्ट पर्सन भी चला सकता है। जैसे मेरी हाइट 5'11" है, बट इसे 5'5" या 5'4" का आदमी भी चला सकता है, इसका एक फ़ायदा है। एक और जो ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गाड़ी में मिलता है आपको स्विचेबल ABS, जो आपको ऑफ रोड में बहुत कारगर है। सो गाइज, ये था मेरा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस, और मुझे इसमें और भी ट्रैवल करना है, और भी एक्सपीरियंस यादें जोड़नी हैं। सो थैंक यू।
तो गाइस ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट पे बताइए। अगर अब भी कोई चीज़ें इसके बारे में बच गई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर करेंगे। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, जब भी राइड करें तो हेलमेट जरूर पहने। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।